गुड मॉर्निंग गोविंद श्रेया सॉरी श्रेया नॉट गोविंद सूर्यांश श्रेयांश और नातिक, ये वीडियो तुम चारों के लिए है। ठीक है, तुम लोग चारों अभी मिक्स कॉम्प्लीमेंट में, जिसमें गोविंद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मिक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो पहले 10 कॉम्प्लीमेंट्स याद करो। 10 तुम्हें याद है ना गोविंद? तुम लोगों को तो अच्छे से याद होगा सूर्यांश नातिक और श्रेयांश, पर गोविंद तुम पहले याद करो 10 कॉम्प्लीमेंट्स। बुक 32 में निकाल कर देखना, ठीक है, पेज नंबर 32। बुक कौन सा है? बुक 1 में 32 में 10 कॉम्प्लीमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर माइनस के केस में चलेंगे तो 10 को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, हटाते हैं, क्योंकि माइनस का कॉन्सेप्ट होता है चीजों को घटाना, इसलिए बॉस को हमेशा हटाते हैं। लेकिन यदि प्लस का केस होता है तो बॉस हमेशा आता है। ये हमेशा दिमाग में अगर रखोगे कि हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमेशा बड़े वाले बॉस को बुलाना है। मिक्स में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब 5 किए थे प्लस करने के लिए क्या करते थे? 5 को बुलाते थे। जब 10 हम लोग सीखे तो क्या किए? 10 करने के लिए, 10 प्लस करने के लिए 10 को बुलाते थे। तो मिक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है। मिक्स अगर कर रहे हैं, प्लस वाला काम कर रहे हैं, प्लस फ्रेंड को बुलाना है, तो फिर 10 को बुलाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग के पास फ्रेंड नहीं होता है, इस वजह से हम लोग किसमें चले जाते हैं? 5 कॉम्प्लीमेंट में। यानी मिक्स में 10 को भी करना है और 5 को भी समझना है। इसमें एक चीज और याद रखना है, अगर एक को बुला रहे हैं, किसी एक बॉस को बुला रहे हैं, तो एक बॉस को हटाना ही हटाना है। प्लस के केस में 10 आ रहा है तो माइनस को जाना ही जाना है, बस ये दिमाग में रखो। ठीक है, तो पहले तुम ध्यान से पेज नंबर 32 देखो, उसमें पहले फ्रेंड्स देखो कि माइनस वाले केस में हम लोग क्या करें। अगर माइनस 1 करना है, मुझे पता है 1 का फ्रेंड कौन है? 9 है। ठीक है, माइनस 1 करने के लिए हम लोगों के पास 9 नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? 10 को माइनस करके और प्लस 9 करते हैं, कहीं ना कहीं इसका आंसर 1 ही होता है ना? ये चीज पता है ना? लेकिन मिक्स कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं ना, ये सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। मिक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट तुम्हारा पेज नंबर इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 44 देखो, बुक 1 का पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में क्या है? पहले तो फ्रेंड्स लिख लो, कौन कौन सा है? प्लस 6 है, ठीक है, प्लस 7 है, प्लस 8 है और प्लस 9 है। बाकी ऊपर वाला तो हम लोग कर सकते हैं ना 5 कॉम्प्लीमेंट से, इसके पहले का जो है 5। मिक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग को यही देखना है कि प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 के लिए क्या करेंगे। 10 कॉम्प्लीमेंट में पता है प्लस 6 के लिए क्या करते हैं, प्लस का केस है ना, प्लस का केस है तो 10 माइनस प्लस होगा और 10 प्लस होगा, क्योंकि केस क्या है? प्लस का। माइनस क्या करेंगे? माइनस 4 कर लेंगे। माइनस 7 में क्या करेंगे? 3 कर लेंगे। 8 में क्या करेंगे? माइनस 2 कर लेंगे। 9 में क्या कर लेंगे? माइनस 1 कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि यही सब हम लोगों को मिल नहीं रहा है। मिक्स कॉम्प्लीमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि कभी कभी ये सारे बिट्स हम लोगों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिक्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अभी क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि मैम आप क्यों नहीं लिखी 5, 4, 3, 2 और 1, क्योंकि ये सारे 5 कॉम्प्लीमेंट से हो जाएंगे, इनके लिए हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन्हीं चारों के लिए है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? माइनस फोर नहीं तो चले जो 5 कॉम्प्लीमेंट्स पे। 5 कॉम्प्लीमेंट्स तो याद है ना, माइनस 4 के लिए क्या करते थे? माइनस 4 करना होता था तो माइनस 5 और प्लस 1, इस तरह से माइनस 4 होता था ना, याद करो। यानी हम लोग माइनस 4 के लिए 5 वाले फ्रेंड्स के पास गए कि 5 में हम कैसे काम करते थे। माइनस 4 के लिए हम लोग हमेशा 5 को माइनस करके और 1 को ऊपर करते थे। तो बस यही दिमाग रखना है कि एक फ्रेंड ऐड हो रहा है तो एक फ्रेंड चला जा रहा है, तो माइनस का यही केस है, प्लस 10 माइनस 5 प्लस 1। अब देखो तुम्हारा ये भी इजी होगा, प्लस 7 करना है, प्लस 10 ऑब्वियस है, क्या करोगे? माइनस 5। याद करो उसका फ्रेंड, यहाँ 3 चाहिए था ना, 3 का फ्रेंड को याद करो, 3 का फ्रेंड कौन है? 2 है, प्लस 2 कर दो। फिर यहाँ 8 में आओ, प्लस 10 तो करोगे ही, माइनस 5 तो करना ही है। अब तुम्हें सोचना है कि इसमें कौन सा फ्रेंड प्लस करे, तो याद करो इसका फ्रेंड 2 है ना, तो 2 का फ्रेंड 5 में चले जाओ, 2 का फ्रेंड 3 है, क्या करोगे? प्लस 3। यानी कि बड़े वाले बॉस को प्लस करो, फ्रेंड्स को भी प्लस करो, केवल 5 को माइनस कर दो। 9 में ध्यान लगाओ, खुद करो, क्या होगा बोलो? प्लस 10 होगा, ठीक है, प्लस 10, 5 हो गया माइनस।
नाइन यानी कि फ्रंट वन, वन यानी कि फ्रंट फाइव का फोर प्लस फोर। अब तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, याद करो अच्छे से। ये प्लस टेन का ही है केवल, माइनस टेन का भी नहीं बनाया है, ठीक है। माइनस टेन का इसके बाद हम लोग करेंगे, पहले प्लस टेन का प्रैक्टिस करो। पेज नंबर 44 में फ्रंट लिखा हुआ है, पेज नंबर 45 में भी है, इसके बाद देखो पेज नंबर 46 और 47। इसको कॉपी पे उतार के इसकी प्रैक्टिस फिर से करो, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा कि कैसे हम लोग मिक्स कॉम्प्लीमेंट करते थे, और धीरे धीरे पूरी बुक को कंप्लीट करो, ठीक है। थैंक यू।